मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंदमाधवं वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। भू धातु के लट्लकार के प्रथम पुरुष एवं मध्यम पुरुष के रूपों की सिद्धि की जा चुकी है, आज उत्तम पुरुष के रूपों की सिद्धि की जाएगी। उत्तम पुरुष के रूपों में भी केवल उत्तम पुरुष एक वचन का जो रूप है भवामी, उसकी सिद्धि की प्रक्रिया को विशेष रूप से समझना होता है और उसी के अनुसार भवावह और भवामह इन दोनों रूपों की सिद्धि भी हो जाती है। भवामी रूप की सिद्धि में अन्य सूत्र तो पहले वाले ही हैं जो कि अभी तक लग चुके हैं, केवल एक सूत्र वहाँ पर आता है जो ह्रस्व को दीर्घ दीर्घ आ कर देता है, हैं उसका सूत्र क्या है, अतो दीर्घो यही, यह सूत्र है। यह सूत्र आकर के क्या करेगा, ह्रस्व है शब शब का जो अ है ना, जो भू और मिप के बीच में शब विकरण आएगा उसका जो अ बचेगा उस अ को क्या कर देगा, आ कर देगा, बस इतना ही काम उसका है, फिर भवामी रूप की सिद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए भू धातु है, धातु कौन है, भू धातु है। भू धातु से हम कौन सा लकार ला रहे हैं, लट लकार ला रहे हैं। भू धातु है उससे कौन सा लकार लाए हैं, लट लकार लाया गया है। लट लकार में टकार की हलंत्यम से संज्ञा लोप हो गया, क्या बचा, केवल लौ बचा। इस लौ के स्थान पर सारी प्रक्रिया होने के बाद क्या हो जाएगा, लौ के स्थान पर टिप की मिप, उत्तम पुरुष एकवचन में क्या आ जाएगा, मिप। कौन सूत्र लगेगा, अस्मद्युत्तम, अस्मद्युत्तम सूत्र से यहाँ पर क्या आ जाएगा, मिप आ जाएगा। मिप में भी पकार के अलंत्यम से संज्ञा तस्य लोप ऐसे लोप होकर के क्या बचेगा, मी बच जाएगा। अब इस मी की क्या हो जाएगी, सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी, किससे हो जाएगी, तिंक्षित सार्वधातुकम सार्वधातुक संज्ञा, कर्तरी शब्द से शप हो जाएगा, कर्तरी शब्द से क्या हो जाएगा, शप हो जाएगा। कितने सूत्र लग गए, दो सूत्र लग गए, एक तो तिंक्षित सार्वधातुकम और एक कर्तरी शप, ये दो सूत्र लग गए। इन दो सूत्रों को लगने के बाद क्या स्थिति बन गई है, यहाँ पर भी क्या स्थिति बनी, भू धन मी, मिप का मी बचा, उसके बाद यहाँ पर बीच में क्या आ गया, शप आ गया, तो क्या स्थिति बन गई, भू धन शप का क्या बचेगा, अ बचेगा, शप में अनुबंध लोप हो जाएगा ना, अनुबंध लोप होने के बाद क्या बचेगा, अ बचेगा, इधर इधर आ गया आपका मी, क्या स्थिति बन गई, भू अ मी, भू अ। अब इस शप के अ की पुनः क्या होगी, सार्वधातुक संज्ञा होगी, किससे होगी सार्वधातुक संज्ञा, तिंक्षित सार्वधातुकम, वही सार्वधातुक संज्ञा करने वाला सूत्र है ना, इस अकार की पुनः सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी। सार्वधातुक संज्ञा होने से क्या हो जाएगा, सार्वधातुकार धातु के जैसे भू के ऊ को गुण हो जाएगा, ऊ को गुण क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, तो क्या स्थिति बन जाएगी, भू धन अ धन मी, ये स्थिति बन गई। अब ऐसी स्थिति में कौन सूत्र लग जाएगा, एचो आया वह ओ को क्या कर देगा, अब आदेश कर देगा, क्या स्थिति बन गई, भ धन अव धन अ धन मी, ये स्थिति बन गई ना, भ धन अव धन अ धन मी, और अझिनम परेण संयोज्यम, भ किसमें मिल जाएगा, अ में मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, भ अब इधर व किसमें मिल जाएगा, अ में मिल जाएगा, क्या बन जाएगा, भव और आगे क्या क्या बचा हुआ है, मी, ये बना हुआ है, भव मी, भव धन मी, यही स्थिति बन गई है ना, वकार अकार में मिल गया, भकार अकार में मिल गया, तो क्या स्थिति बन गई, भव धन मी, क्या स्थिति बन गई, भव धन मी, इतना स्पष्ट हो गया, कहीं अगर कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिएगा, क्या स्थिति बन गई है, भावाधन मी स्थिति बन गई है, क्या स्थिति बन गई है, भावाधन मी, भावाधन मी, इसको समझ लीजिए, बाकी भवाभा भवामह इसी के अनुसार चलेंगे। अब ऐसी स्थिति में सूत्र आ रहा है अतो दीर्घो यही, क्या सूत्र आ रहा है, अतो दीर्घो यही, ठीक है, अतो दीर्घो यही, यह सूत्र है अतो दीर्घो यही, तीन पद का सूत्र है, अतः में कौन विभक्ति है, छ एक अर्थात षष्ठी विभक्ति एक वचन, दीर्घ में कौन विभक्ति है,
एक 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 अर्थात प्रथम विभक्ति एक वचन, यही में कौन विभक्ति है, सात एक अर्थात सप्तमी विभक्ति एक वचन। यहाँ पर दीर्घ था ना, उसको क्या हो गया, जो सौ आया था सौ को र हो गया, उत्तु इत्यादि होकर के हसी चौ से दीर्घो बन गया, संधि विच्छेद क्या बनेगा, अतः दीर्घ है यही। अगर सूत्र को अलग अलग लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, अतः दीर्घ है यही, इस प्रकार से लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा यही, ये अतः षष्ठी व्यक्ति एक वचन, दीर्घ प्रथम व्यक्ति एक वचन, और यही सप्तमी व्यक्ति एक वचन, वो स्थिति यहाँ पर भी है। ठीक है, अब इसमें है क्या, ये षष्ठी, ये इसमें षष्ठी है और ऊपर से किसकी अनुवृत्ति आ रही है, अंगस्य का अधिकार आ रहा है, किसका अधिकार आ रहा है, अंगस्य का, किसका अधिकार आ रहा है, अंगस्य का अधिकार आने से क्या होगा, ये जो दीर्घ होगा वो अंग को होगा, ये जो दीर्घ होगा वो किसको होगा, अंग को होगा, अंग किसको कहते हैं, प्रत्यय के परम होने पर जो प्रकृति होती है उस प्रकृति की क्या हो जाती है, अंग संज्ञा हो जाती है, पहले बताया था पूर्व पाठ में। तो अब यहाँ पर अतः में भी षष्ठी है और अंगस्य में भी षष्ठी है, अतः में भी क्या है, अंगस्य में भी क्या है, तो अर्थ क्या बन गया, अतोंगस्य अतः अंगस्य, संधि कर दीजिए, अतः और अंगस्य में क्या संधि हो जाएगी, वही अतो रोर प्लुता दप्लुते सूत्र है ना, अतो रोर प्लुता दप्लुते स्वादि संधि का सूत्र है, उससे क्या हो जाएगा, रुत्तु होकर के फिर पूर्व रूप होकर के क्या बन जाएगा, अतोंगस्य, इस प्रकार का रूप बनेगा, क्या रूप बन जाएगा, आगे क्या है, दीर्घ अतोंगस्य दीर्घ स्यात्, अतः अंगस्य दीर्घ स्यात्, यह सूत्र का अर्थ हो गया, अतः अंगस्य दीर्घ स्यात्, अतः अंगस्य का अर्थ क्या हुआ, अदंत जो अंग, अदंत जो अंग, अतः का अर्थ क्या है, अदंत है, अतः का अर्थ क्या है, अदंत, अतः का अर्थ क्या है, अदंत है, कैसे अदंत है, तो अतः में अतः कहाँ का रूप है, षष्ठी एक वचन, मूल शब्द क्या है, अत है, मूल शब्द क्या है, अत, ये मूल शब्द है, इसके तकार को इससे घस विभक्ति जब लाई जाएगी, घस का अस बचेगा तो ये मिल जाएगा, अतस बन जाएगा, फिर सकार को रुत्व विसर्ग होकर के अतः रूप बनेगा, तो मूल रूप क्या है, अत है। अब अत को तपर किया गया है, इसमें तो लगाया गया ना, ये तपर किया गया, तपर करने से कौन सूत्र लगता है, तपरस तत्कालस्य, कौन सूत्र लगता है, वो क्या कहता है, जो जो तपर है वो जितनी मात्रा वाला है, जो तपर है वो जितनी मात्रा वाला है उतने का ही बोध कराएगा, उससे ज्यादा मात्रा वाले का बोध नहीं कराएगा। तो यहाँ पर तपर कौन है, ओ है, ये कितनी मात्रा वाला है, एक मात्रा वाला है ना, इसकी कितनी मात्रा है, एक मात्रा, एक मात्र हो गए ध्रस्व, एक मात्रा वाले को ही तो ह्रस्व कहते हैं, द्विमात्रो दीर्घ उच्चते, दो मात्र जिसकी दो मात्रा होती है उसको क्या कहते हैं, दीर्घ, त्रिमात्रस्तु प्लुतोज्ञ, यहाँ और तीन मात्रा वाले को प्लुत कहते हैं, व्यंजनम चार्ध मात्रकम, और व्यंजन की कितनी मात्रा होती है, आधी मात्रा होती है, तो ये क्या ह्रस्व आकार है, क्या है ये, तो अब तपर होने के कारण से ये किसका बोध कराएगा, केवल अपना ही बोध कराएगा, दीर्घ का बोध नहीं कराएगा, अगर ये तपर नहीं होता तो क्या होता, करवा लेता, जैसे एचओ आया हुआ सूत्र कहाँ लगाते हैं, भूखे ऊ में लगाते हैं ना, भूखे ऊ को क्या वहां पर क्या कहा गया, इक में किसको लिया गया, नहीं एचओ आया हुआ नहीं, सार्व धातु कार धातु का जो लगाते हैं ना, ई अदंत अंग को, अदंत जो इगंत, जो इगंत है ना, क्या अर्थ है सार्व धातु कार धातु सूत्र कयो सूत्र का, इगंतांग से गुणा सियात, इगंत अंग को करते हैं, तो इगंत में तो ह्रस्व ऊ आता है ना जी, लेकिन भू में तो ऊ दीर्घ है, तो वहाँ ह्रस्व से ही दीर्घ का ग्रहण हो जाता है, अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र से, क्योंकि वहां पर तपर नहीं है, वहां तपर नहीं, यहाँ यह तपर है, इसलिए यह किसका बोध कराएगा, केवल अपना ही बोध कराएगा। तो अ का अर्थ क्या हो गया, अदंत, अदंत का अर्थ क्या होता है, अत अंत यस्य, अत अंत यस्य असौ अदंत, अत है अंतावय जिसका, अत है उसको क्या कहेंगे, अदंत, समास में तो पद संज्ञा होने से तो को द हो गया, इसलिए क्या बन गया, अदंत बन गया। तो अत अंत यस्य असौ अदंत, अत है अर्थात ह्रस्वकार है अंतावयव जिसका, बहुव्रीहि समास हुआ ना, जहाँ यस्य इत्यादि होता है, यस्य येषाम बहुव्रीहि समास होता है, ठीक है, जहाँ चौचौ लगेगा वो द्वंद्व समास होगा, जहाँ यस्य येषाम लगेगा वो बहुव्रीहि समास होगा, तो यहाँ पर क्या हो गया, बहुव्रीहि समास हो गया। तो अत अंत यस्य, तो कस्य यहाँ पर किसका है अत अंत, तो वो उदाहरण आएगा,
जैसे क्या है भव में है ना, भव में जो वकार उत्तरवर्ती अकार है, भव में वो में अ है कि नहीं, वो के बाद में अ है ना, अगर नहीं होता तो ये ऐसे होता, ऐसा तो नहीं है। इससे क्या पता चल रहा है कि वो में वो ह्रस्व है कि नहीं है, वो एक मात्रा वाला है कि नहीं है, तो ये अदंत हो गया। अदंत कौन हो गया? भव। भव क्या हो गया? अदंत हो गया। और अंग भी है ये, क्या है ये? क्यों? क्योंकि मिप ये प्रत्यय है, मिप का मी प्रत्यय है, इसके परम होने पर भव की क्या हो जाएगी? अंग संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अंग संज्ञा हो जाएगी। अब यहां पर कोई प्रश्न ये कर सकता है कि ये जो अ है वो तो सबका अ है, ये जो भव में हमने अ जोड़ा है वो किसका अ है? सबका अ है। और मिप प्रत्यय किससे आया था? भू से आया था ना जी। मिप जब आया था उसमें तो सब हमने किया नहीं था, उसमें क्या था? केवल भू था ना, उसके ऊ को ओ हुआ, फिर अवादेश हुआ तो भव बना। तो भव की होनी चाहिए अंग संज्ञा, क्योंकि प्रत्यय कौन है? मी है, उसके परम होने पर प्रकृति कौन मिलेगी? भव मिलेगी। तो भव की क्या होनी चाहिए? यहाँ पर जो जो भव है उसमें तो अ भी मिला हुआ है, सबका अ, तो इसकी कैसे अंग संज्ञा कर रहे हैं? तो कहते यहाँ पर यह है कि जो विकरण विशिष्ट होता है ना, उसकी भी अंग संज्ञा होती है, इसीलिए वो सूत्र जो अंग संज्ञा करने वाला सूत्र है उसमें तदादि जोड़ा गया है। यस्मात् प्रत्यय विदिस तदादि, तदादि जो जोड़ा गया है वो विकरण सहित की अंग संज्ञा करने के लिए जोड़ा गया है। तो विकरण सहित की भी क्या हो जाती है? अगर राम शब्द से सुप्रत्यय लाएंगे तो वहां तो कोई विकरण नहीं है, तो वहां केवल राम की अंग संज्ञा होगी। लेकिन यहाँ पर चूंकि बीच में विकरण भी आगे बैठ गया है सबका अ, तो विकरण विशिष्ट जो भव है ना, इस पूरे की अंग संज्ञा होगी तदादि ग्रहण से। ठीक है, तो ये अंग भी हो गया और अदंत भी हो गया। ठीक है, तो अतोंगस्य ये घट गया कि नहीं? अतोंगस्य अदंतस्य अंगस्य दीर्घ स्यात्। अदंत अंग को दीर्घ हो, अदंत अंग कौन हो गया? भव। इसको क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। लेकिन अभी अर्थ पूरा नहीं हुआ है, अभी अर्थ बचा है। क्या है? तो आगे क्या लिखा? अतोंगस्य दीर्घ स्यात् यादव सारु धातु के परे। क्या कहा? अतोंगस्य दीर्घ स्यात् यादव सारु धातु के परे। क्या अर्थ लिखा? यादव। अब यहां पर समझना है आपको कि देखिए सूत्र में यही लिखा गया है, सूत्र में क्या लिखा गया है? यही लिखा गया है। और इसका अर्थ वृत्ति में क्या लिखा गया है? यादव इस प्रकार से लिख दिया गया, सूत्र में तो यही है, वृत्ति में क्या लिखा है? तो यही का अर्थ यादव कैसे हो गया? यही का अर्थ यादव कैसे हो गया? ये प्रश्न होगा। ठीक है, तो कह रहे हैं कि देखिए ये जो यही है ना, ये किसका रूप है? यही का है। ये यही किसका रूप है? यही का, इसका ही तो रूप है। सप्तमी विभक्ति में इससे क्या आया? नी आया। नी का क्या बचा? ई बचा है ना। ई का, नी का क्या बचा? या ई मिला दिया तो क्या बन गया? यही बन गया कि नहीं बन गया? तो ये यही रूप है किसका है? यही शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन का है। और यही में यही एक प्रत्याहार है। यही क्या है? ये इसमें कौन कौन वर्ण आएंगे? हाँ, यही कहाँ तक जाएगा? हाँ, यह वर्ण के यकार से शुरू होगा और झभय, कहाँ तक जाएगा? झभय तक। तो कौन कौन वर्ण आ जाएंगे? य, व, र, ल और बोलते रहिए गण गण न आगे झ भ, इतने वर्ण तो आए। य, व, र, ल, यम, गण, न, यम, गण, न, हाँ, झ, भ, इतने वर्ण आए ना यही प्रत्याहार में। तो अब यहाँ पर एक बात आपको ये समझनी है कि ये जो यही प्रत्याहार है ना, ये कहीं भी सारे वर्णों को एक साथ लेके तो आएगा नहीं। किसी भी प्रयोग में जहाँ पर हम यही देखेंगे तो यही से सारे वर्ण एक साथ आ जाएंगे क्या? किसी भी एक प्रयोग में सारे के सारे वर्ण एक साथ मिल सकते हैं? नहीं, कोई एक ही तो मिलेगा, या यो ही मिलेगा, या वो मिलेगा, या रो मिलेगा, एक ही तो कोई मिलेगा ना जी? जी। तो अब जब एक मिलेगा तो उसको हम क्या कहेंगे?
वर्ण कहेंगे, एक वर्ण कहेंगे जी, इनमें से कोई एक वर्ण मिलेगा, चाहे यो मिल सकता है, वो मिल सकता है, रो मिल सकता है, लो मिल सकता है, कोई एक ही वर्ण तो मिलेगा ना जी। जी ठीक हुआ जी। ठीक है, तो यय से प्रयोग में कोई एक वर्ण मिलेगा, यो वो इत्यादि में से कोई एक मिलेगा जी। एक बात तो ये हो गई, और दूसरा यही में कौन विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति है, दो बातें हो गई, यही में क्या है सप्तमी भी है और यही से क्या मिलेगा कोई एक ही वर्ण मिलेगा, दो बातें हो गई ना जी। और ये जो यही है, ये जो ये विशेषण है, ये क्या है, विशेषण है, क्या है ये, विशेषण। ठीक हो गया, विशेषण किसको कहते हैं, भेदक, अलग करने वाला, व्यावर्तक, अलग करने वाला, जिसके द्वारा किसी की विशेषता बताई जाए, जिन शब्दों के द्वारा किसी की विशेषता बताई, वो शब्द सब विशेषण कहलाते हैं, और जिसकी बताई जाएगी वो क्या कहलाएगा, विशेष्य कहलाएगा। तो अगर यही विशेषण है, अगर यही यही क्या है, ये यही तो विशेष्य कौन है, निश्चित अगर विशेषण है तो कोई ना कोई विशेष्य भी होगा, तो विशेष्य कौन है, तो विशेष्य कौन है, यहाँ पर विशेष्य बराबर सार्वधातु के, सार्वधातु के ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, किसके अनुवृत्ति आ रही है, सार्वधातु के, सार्वधातु के ऊपर से क्या आ रही है, सूत्रेश्व दृष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम व्यवस्था है ना, तो सार्वधातु के ऊपर से क्या आ रही है, अनुवृत्ति आ रही है। तो अब विशेषण कौन है, यही, विशेष्य कौन है, ठीक है। विशेषण कैसा है, एक तो एक वर्ण मात्र है, एक और दूसरा सप्तम्यंत है, सप्तमी विभक्ति युक्त है, सप्तमी विभक्ति वाला है। तो जहां पर विशेषण क्या होता है, सप्तमी विभक्ति वाला होता है और एक वर्ण मात्र होता है, एक एक वर्ण मात्र होता है, वहां पर वो विशेषण है ना तदादि का बोध कराता है, तदादि का बोध कराता है, अर्थात वह विशेषण है आदि में जिसके उसका बोध कराता है, वह विशेषण है उसका बोध कराता है। क्या तात्पर्य हुआ, तात्पर्य यह हुआ कि ये जो यही है, ये जो क्या है, ये विशेषण है कि नहीं है, किसका विशेषण है, सार्वधातु के का, और एक वर्ण मात्र है क्योंकि प्रयोग में कोई एक ही वर्ण आएगा, तो ये जो यही है ये विशेषण भी है और सप्तम्यंत भी है और एक वर्ण मात्र भी है, इसलिए यही से हम किसको लेंगे, यही से हम यही है आदि में जिसके उसको लेंगे, यही है आदि में जिसके उसको लेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे यही आदि, उसको हम क्या कहेंगे, यही आदि है ना, और यही आदि के सप्तमी में क्या रूप बनेगा, यही आदव, भाई हरि के सप्तमी में क्या रूप बनता है, हरव, ऐसे यही आदि के सप्तमी में क्या रूप बनेगा, यही आदव, ये बनेगा कि नहीं, तो यही का अर्थ क्या बन गया, यही आदव बन गया, क्यों, क्योंकि ये विशेषण था, किसका विशेषण था, सार्वधातु के का, किसका विशेषण था, सार्वधातु के विशेष्य था ना, सार्वधातु के क्या था, विशेष्य था, और यही उसका क्या था, विशेषण था। विशेषण कैसा था, एक तो सप्तमी विभक्ति वाला था और एक वर्ण मात्र था, तो जहां पर विशेषण सप्तमी विभक्ति युक्त होता है और एक वर्ण मात्र होता है, वहां पर वो विशेषण किसका बोध कराता है, तदादि का, मतलब वह विशेषण है आदि में जिसके, वह विशेषण है आदि में मतलब पहले जिसके उसका बोध कराएगा, तो यही का अर्थ क्या बन गया, यही आदव सार्वधातु के, ऐसा बन गया, यही का अर्थ क्या बन गया, यही आदव सार्वधातु के, ये बन गया कि नहीं बन गया। इसी को बताने के लिए एक परिभाषा है, क्या परिभाषा है, यस्मिन विदिस तदादावल ग्रहणे, क्या परिभाषा है, यस्मिन विदिस तदादा वल ग्रहणे, यह परिभाषा है, क्या परिभाषा है, यस्मिन विधिस तदादा वल ग्रहणे, विधिस तदादा वल ग्रहणे, तदादा वल ग्रहणे, यह परिभाषा है। अल ग्रहणे क्या लिखा है, अल ग्रहणे, जहां पर अल का ग्रहण हो, अल से किसको लेते हैं, वर्ण को लेते हैं ना जी, तो यही में भी किसका ग्रहण है, अल का है, एक वर्ण का है, तो अल ग्रहण है, जहां पर अल का ग्रहण हो और वो अल कैसा हो, यस्मिन, यस्मिन से किसको लेना है, सप्तम्यंत को लेना है, यस्मिन से किसको लेना है, सप्तम्यंत अर्थात सप्तमी भक्ति युक्त, सप्तम्यंत अर्थात
सप्तमी, यस्मिन में सप्तमी है ना, तो यस्मिन से किसको लेना है, सप्तमी व्यक्ति युक्त, ठीक हो गया। तो सप्तमी व्यक्ति युक्त हो और एक वर्ण मात्र का ग्रहण हो, एक वर्ण मात्र का ग्रहण और वो विशेषण बनता हो, वो क्या बनता हो, विशेषण बनता। तो ऐसी विधि जो होगी, ऐसा जो कार्य होगा वो तदादौ, वो किसमें होगा, तदादि में होगा, वो किसमें होगा, तदादि में होगा, तदादि में होगा। परिभाषा का अर्थ क्या हुआ, एक तो अल ग्रहण हो, किसी एक वर्ण का ग्रहण हो, जैसे यहाँ पर किसका किसका ग्रहण है, किसी एक ही यही में से किसी एक यही वर्ण का ग्रहण होगा ना जी? जी, और क्या हो, वो सप्तम्यंत हो जी, तो यही सप्तम्यंत है कि नहीं है, और ऐसे और विशेषण भी हो तो ये विशेषण भी है, किसका विशेषण है, सार्वधातु के का, तीनों चीजें आ गई। तो ऐसा जो विशेषण होता है, जो सप्तम्यंत भी होता है और एक वर्ण मात्र होता है, ऐसा जो विशेषण होता है ना, उस विशेषण को मान करके होने वाली जो विधि होती है, उस विशेषण को मान करके होने वाली जो विधि मतलब कार्य, वो कार्य किसको होता है, तदादौ, तदादि को होता है, किसको होता है, तदादि का मतलब क्या हुआ, वह विशेषण है आदि में जिसके, वह उसका बोध कराएगा। तो यहीं से किसका अर्थ हो, यहीं से क्या बोध होगा, यह यही है आदि में जिसके, यह उसका बोध कराएगा, यहीं से किसका बोध होगा, यही आदि का, और सार्वधातु के विशेष ही है तो पूरा अर्थ क्या बनेगा, यही आदौ, इस प्रकार से अर्थ क्या बन गया, अतोंगस्य दीर्घ स्यात्, यही आदौ सार्वधातु के परे, अतोंगस्य दीर्घ स्याद, यही आदौ सार्वधातु के परे। तो ये परिभाषा का अर्थ बैठा कि नहीं बैठा जी? ये परिभाषा बड़ी महत्वपूर्ण है, एक परिभाषा है ये न विधि तदंतस्य, वो तदंत विधि करती है, और एक ये परिभाषा है ये तदादि विधि करती है, क्या करती है, वो तदंत विधि करती है, और ये क्या करती है, तदादि विधि। तो ये तदंत विधि और तदादि विधि दो विधियां होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन विधि है, तदादि विधि है, ठीक है। इसलिए अर्थ क्या बन गया, अतोंगस्य दीर्घ स्याद, यही आदव सार्वधातु के परे, अदंत अंग को दीर्घ होता है, कहाँ होता है, यही आदि सार्वधातु के पर में होने पर, ठीक हो गया। तो अब यहां देखिए, जो आपका उदाहरण है, उदाहरण में इसको घटाइए, अब कहाँ घटाना है, उदाहरण में घटाना है, उदाहरण में कहाँ पहुंचे थे हम, भवधन मी, कहाँ पहुंचे थे, भव धन मी, ठीक है। अभी जो मी है इसके आदि में कौन है, मो है ना, मो धन ई, ये मी है, ये इसके आदि में कौन है, ये मो यही है कि नहीं है, यही प्रत्याहार में आता है कि नहीं आता है, सप्तम्यंत है कि नहीं, सप्त यही में क्या है, सप्तमी थी ना, यही अतो दीर्घो यही सप्तमी थी ना, थी कि नहीं, तो ये यही क्या हो गया, सप्तम्यंत हो गया, अतो दीर्घो यही में, यही सप्तम्यंत तो था वो, ये मी है, ये जो मो है, मिप का मो है, ये यही है और ये सप्तम्यंत था, और ये यही विशेषण है, ये यही क्या है, किसका विशेषण है, सार्वधातु के का विशेषण है, किसका विशेषण है, ये विशेष्य कौन है, सार्वधातु के है, ठीक हो गया। तो यही विशेषण भी है, विशेष्य सार्वधातुक है, सार्वधातु के है, ठीक है ना, और ये कैसा है, सप्तम्यंत भी है। तो अब यहीं से हम किसको लेंगे, यही आदि को लेंगे, यहीं से हम किसको लेंगे, तो यही आदि कौन हो गया, ये हो गया, यही आदि कौन हो गया, क्योंकि इसके आदि में कौन है, मो है कि नहीं, ये मो यही है कि नहीं, तो यहीं से हम किसको लेंगे, केवल यही को नहीं लेंगे, देखिए अगर केवल यहीं से हम किसको लेते, यहीं का अर्थ हम क्या कर देते, इको यणची की तरह क्या कर देते, यही परम होने पर क्या अर्थ कर देते, ऐसा भी तो कर सकते थे ना, अच परम होने पर ऐसा भी तो कर सकते थे, यही में सप्तमी है, सप्तमी होने से तस्मिन् निर्दिष्ट पुरुष से परिभाषा आ जाती, तो क्या अर्थ बन जाता, यही के परमे, ऐसा अर्थ यहाँ पर नहीं लेना है, ऐसा अर्थ यहाँ पर, यहाँ तदादि विधि होती है, तो अर्थ क्या बनेगा, ययादि सार्वधातुक के परम होने पर। तो मिप सार्वधातुक भी है, मिप से, मिप की सार्वधातुक संख्या किससे हुई है, तिंक्षित सार्वधातुकम, तो मिप क्या है, सार्वधातुक भी है और कैसा है, ये आदि भी है, तो इसके परम होने पर ये आदि सार्वधातु कौन मिल गया, मिप का मी मिल गया, क्योंकि पौ तो चले जाएगा ना, पौखित अलंतम से संज्ञा लोप हो जाएगा, अनुबंध विनिर्मुक्त पदार्थस्य वो उपस्थिति ही, क्या परिभाषा है, अनुबंध विनिर्मुक्त पदार्थस्य वो उपस्थिति ही, अनुबंध विनिर्मुक्त जो पदार्थ होते हैं उन्हीं की उपस्थिति मानी गई है, अनुबंध विनिर्मुक्त, अनुबंध विनिर्मुक्त
पदार्थस्यैवोपस्थिति ही क्या परिभाषा है परिस्थिति नहीं पस्थिति ही लिखा हुआ सामने फिर भी अशुद्ध पढ़ रहे हैं अनुबंध विनिर्मुक्त पदार्थ से वो उपस्थिति अनुबंध विनिर्मुक्त जो पदार्थ है अनुबंध अर्थात जिसकी संज्ञा होती है ना उसको हटाने के बाद जो बसता है उसी को पदार्थ माना जाता है उसी को माना जाता है तो यहाँ पर किसको लिया जाएगा मी को लिया जाएगा मिप में मी लिया जाएगा ययादि है सार्वधातुक है ही है उसके परम होने पर क्या हो जाएगा अतोंगस्य दीर्घस्य अदंत अंग कौन है भव भव ये अदंत अंग है ना इसको क्या हो जाएगा दीर्घ हो जाएगा तो भव के व के अ को क्या हो जाएगा क्या बन जाएगा आगे क्या है मी वर्ण सम्मेलन करिए क्या करिए वर्ण सम्मेलन वर्णों को मिला दीजिए क्या क्या कर दीजिए वर्ण सम्मेलन करने से क्या हो जाएगा क्या रूप बन जाएगा भवामी ये रूप सिद्ध हो गया क्या रूप सिद्ध हो गया भवामी ये रूप आपका सिद्ध हो गया ठीक है ना तो भवामी रूप की सिद्धि में एक अतो दीर्घो यही सूत्र लगा है ये विशेष सूत्र है और इसमें यस्मिन विधि तदादा वल ग्रहणे परिभाषा से क्या होती है तदादि विधि हो जाती है तदादि विधि होकर के यहीं का अर्थ क्या बन जाता है यादव सार्वधातुके के ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है ठीक है तो तदादि विधि कहाँ होगी वहां होगी जहां पर विशेषण कैसा हो सप्तम्यंत हो एक वर्ण मात्र हो तो वहां पर क्या हो जाएगी तदादि विधि हो जाएगी और अन्यत्र क्या होगी तदंत विधि होगी अन्यत्र क्या होगी विशेषण में सामान्य रूप से तदंत विधि होती है विशेषण में सामान्य रूप से कौन सी विधि होती है लेकिन विशेषण जहां पर कैसा हो वर्ण मात्र हो सप्तम्यंत हो वहां पर क्या होती है तदादि विधि होती है इतना ध्यान रखना है ठीक है ना तो इस प्रकार से आपका क्या रूप सिद्ध हो गया भवामी इस रूप की सिद्धि हो गई ठीक है ना इतना स्पष्ट हो गया तो अब भवामी रूप की तो सिद्धि हो गई इसी प्रकार से आपको अन्य रूप भी बना लेने हैं अन्य रूप सरल ही हैं क्या रूप हैं भवा वह भवा मह क्या रूप हैं भवा वह और भवा मह तो फटाफट बनाइए इनमें तो कुछ है ही नहीं अब भू धातु है कौन धातु है कौन लकार आ गया लट आ गया लट का अनुबंध लोप होकर के क्या आ जाएगा वस आ जाएगा सारी प्रक्रिया करके वस आ गया यहाँ पर सकार की संज्ञा प्राप्त होगी लेकिन नवयुक्त हो तो उसमें से निषेध हो जाएगा क्या बन गया भू वस सार्वधातुक संज्ञा करिए शप लाइए शप का क्या आ गया और आ गया भू और वस भू और इसको गुण करिए क्या बन गया भोर और वस हो गया ना अब इसको क्या कर दीजिए एच ओ वाया वा से अवादेश क्या बन जाएगा भव और धन वस वर्ण सम्मेलन भव धन वस और अतो दीर्घो यही यहाँ पर कौन लगा देंगे अतो दीर्घो अदंतंग कौन है भव और ये आदि सार्वधातु कौन है वस का वो ये आदि सार्वधातु कौन हो गया हो गया ना इसके परम होने पर भव के वो के अ को क्या हो जाना है दीर्घ हो जाना क्योंकि ये भी तो आपका यही में आएगा ना जी दूसरा ही है यो वो हो गया ना तो इसको क्या हो जाएगा दीर्घ हो जाएगा तो क्या रूप बन जाएगा और भवावस बन जाएगा क्या बन जाएगा भवावस उसके बाद इसकी पद संज्ञा हो जाएगी किससे हो जाएगी सुप्तिगंतम पदम सुबंत कौन हो तिगंत हो गया ना ये पद और पदांत पद संज्ञा होने से पदांत कौन होगा सकार इसको रू से रू हो जाएगा रू में ऊ चले जाएगा रो बचेगा फिर बराम उसावनों से उसावन संज्ञा और खरवसान विसर्जनीय से विसर्ग हो जाएगा तो क्या रूप सिद्ध हो जाएगा भवा वह क्या रूप सिद्ध हो गया भवा वह इस रूप की सिद्धि हो गई किस रूप की सिद्धि हो गई भवा वह ये रूप सिद्ध हो गया आपका ठीक है ना इसी प्रकार से क्या रूप बनाना है भवा वह उसमें भी यही प्रक्रिया है जो भवावह की प्रक्रिया है वही प्रक्रिया किसकी है भवामह की है ठीक है ना देख लीजिए फटाफट भू से क्या लाए लट ले आए लट में अनुबंध लोप होके लो बचा इसके स्थान पर क्या कर दिया मस कर दिया ना सब इसकी सार्वधातुक संज्ञा फिर करी फिर क्या कर दिया शब का अ आ गया इधर आ गया मस फिर क्या करेंगे इसकी पुनः सार्वधातुक संज्ञा करेंगे गुण कर देंगे क्या बनेगा भो और धन मस हो गया एच ओ वाय से अवादेश करिए वर्ण सम्मेलन करिए भव मस उसके बाद अतो दीर्घो यही से क्या करना है दीर्घ करना है क्या बन गया भवा भवामस की पद संज्ञा हो जाएगी तिंगंत होने से पदांत सकार को रुत्व विसर्ग हो जाएगा क्या रूप बन जाएगा भवामह क्या रूप सिद्ध हो गया भवामह तो इस प्रकार से आपके रूप सिद्ध हो गए
तो क्या रूप बनाए हमने? भवामी भवावह। अब यहाँ पर अगर कर्ता जोड़ने होंगे तो कैसे जोड़ेंगे? अहम भवामी, आवाम भवावह, वयम, और पूरे रूपों के अगर कर्ता जोड़ेंगे तो कैसे बनेंगे? सह भवती, तौ ते, त्वम, युवाम, यूयम, वयम, अहम, आवाम, वयम। वही लिखा है ना, अतो दीर्घो यहीं की वृत्ति पढ़िए। अतोंगस्य दीर्घस्य आदौ सार्व धातु के परे, अतोंगस्य दीर्घस्य आदौ सार्व धातु के परे, आगे भवामि भवावह, सह भवत, सह भवति, तौ भवतः, त्वं भवसि, युवां भवतः, अहम भवामि, आवाम भवावह, स भवति। में जो बीच में विसर्ग था ना, सु का स, उसका लोप हो गया। एतत् तदोः सुलोपो कोर्णे समासे हलि, जो सूत्र है उससे सकार का क्या हो गया है, इसलिए क्या बन गया है? स्वभवती, इस प्रकार का रूप बन गया है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से भू धातु के लट लकार के सारे रूपों की सिद्धि हमने कर ली है। इनका बढ़िया से अभ्यास करिए। अभ्यास करने के बाद अग्रिम लकार कौन सा है? लिट लकार। कौन सा लकार है? लिट लकार है। उसमें विशेष प्रक्रिया होती है, कुछ रूपों में कठिनाई भी है। ठीक है, उनकी चर्चा अग्रिम पाठों में की जाएगी।